नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माय नेम इज़ जेवीएन सचिन प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म। बी जर्नलिज्म थर्ड सेम, मीडिया लॉ एंड एथिक्स, सेशन नेम द इंडियन पिनल कोड। इससे पहले वाले सेशन में हमने पार्लियामेंट प्रिविलेज के बारे में पढ़ा, समझा, आपको समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड। अब इंडियन पिनल कोड क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। इंडियन पिनल कोड को हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। मतलब इंडियन पिनल कोड, क्या आपने कोई क्राइम किया है तो आपको क्या दंड या क्या मिलेगा। आईपीसी 1860, भारतीय दंड संहिता एक व्यापक कानून है जो भारत के आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है, उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माने के बारे में इसमें बताया गया है कि सजा की क्या, अगर आप कोई क्राइम करते हो उसकी क्या सजा है, उसमें क्या जुर्माना है। ठीक है बच्चों, द इंडियन पिनल कोड आईपीसी इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। इट इज ए कंपैरिजन कोड इंटेंड टू कवर ऑल सब्सटेंसिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। द कोड वाज ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1834 अंडर द कैटर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड थॉमस। इट केम इन टू फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश राज पीरियड इन 1862। इट डिड नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली इन द प्रिंसली स्टेट विच हैड देयर ऑन कोर्ट एंड लीगल सिस्टम अंटिल द 1940। द कोड हैज सिंस बीन अनटेंडेड टाइम्स सर्वल टाइम एंड इज नाउ सप्लीमेंटेड बाई अदर क्रिमिनल प्रोविजन्स। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर द इंडियन पिनल कोड वाज इनहर्ड बाई द सक्सेसर स्टेट। द डोमिन ऑफ इंडिया एंड द डोमिन ऑफ पाकिस्तान वेयर इज कंटिन्यूज इंडिपेंडेंटली एज द पाकिस्तान पिनल कोड। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान द कोड कंटिन्यूड इन फोर्स देयर। द कोड वाज ऑल्सो अडोप्टेड बाय ब्रिटिश कॉनोलियर अथॉरिटीज इन कॉनोलियन बर्मा मॉडर्न श्रीलंका द स्ट्रेट सेटलमेंट नाउ पार्ट इन मलेशिया सिंगापुर एंड बुरानी एंड रिमेन द बेसिक ऑफ द क्रिमिनल कोड इन दोज कंट्रीज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड ए जनरल पेनल कोड ऑफ इंडिया थो नॉट द इनिशियल ऑब्जेक्टिव। द एक्ट डज नॉट बी रिपेल द इंडियन द पिनल लॉस विच वर इन फोर्स एट टाइम ऑफ कमिंग इन टू फोर्स इन इंडिया। दिस वॉज डन बिकॉज द कोड डज नॉट कंटेन ऑल द ऑफेंस एंड इट वॉज पॉसिबल डैट सम ऑफेंस माइट हैव स्टिल बीन लेफ्ट आउट द कोड विच वॉज नॉट इंटेंड टू बी एक्सपेन फ्रॉम पिनल कॉन्सिक्वेंस। थो दिस कोड कंसोलिडेट द होल ऑफ द लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एंड द
exclusive on the matters in respect of which it declares the law. Many more penal statutes governing various offences have been created in addition to the Code of Criminal Procedure. The Code of Criminal Procedure, commonly called Criminal Procedure Code, CRPC, called Criminal Procedure Code. Criminal Procedure Code is called CRPC, is the main legislation of procedure of for administration of substantive criminal law in India. It was enacted in 1973 and came into force in 1 April 1974. It provides the machinery for the investigation of crime, suspected criminals, collection of evidence, determination of guilt of innocence of the accused person, and the determination of punishment of the guilty. It also deals with public nuisance, prevention of offense, and maintenance of wife, child, and parents. At present, the Act contains 484 sections, 2 schedules, and 56 forms. The sections are divided into 73 chapters. The Criminal Procedure Code is applicable in the whole of India. The Parliament power to legislate in respect of Jammu and Kashmir was by Article 370 of the Constitution of India. But now the Parliament has removed Article 374 Jammu and Kashmir. Thus, CRPC is applicable to whole India. बच्चो जब जम्मू कश्मीर में जब 370 आर्टिकल जो धारा 370 लगी हुई थी, तो इंडिया का जो सीआरपीसी है वहाँ पे पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता था. बच्चों अब 370 जम्मू कश्मीर से हट चुकी है, ठीक है, तो अब सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया. सारे भारत में सीआरपीसी एप्लीकेबल होती है. तो जब 370 आर्टिकल लगा हुआ था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में था, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग था हम लोगों से. बट अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ सेम हो चुका है और पूरे इंडिया में सीआरपीसी को एप्लीकेबल कर दिया गया है. ठीक है बच्चों, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11 देयर ऑफ shall not apply to the state of Nagaland, to the tribal areas. However, the concrete state government may by notification apply any of all of those provision in these area. Moreover, the Supreme Court of India has also ruled that even in this area, the authorities are to be governed by the substance of these rules. Major difference between IPC and CRPC. The IPC provides a substantive list of all crimes and law, lays down the punishment for each one them. For example, Section 378 define thief as whoever intending to take dishonestly and movable property out of the possession of any person without the person consent move the dead property in order of such taking is said the commit thief. The punishment for the offense of thief is spelled out under Section 379 in the following words. However, the commit theft shall be punished with the primary purpose of IPC is to provide a general penal code for the Indian which prescribes punishment to wrong doer. The primary goals of CRPC is conciliate the criminal law in the country. The penal code is substantive law, whereas the code of criminal procedure is a procedural law.
थैंक यू बच्चों, आपको इसमें सीआरपीसी इंडियन पिनल कोड ये दोनों आपके टॉपिक इसमें कवर हो गए, आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों नहीं समझ में आया तो हम इस बारे में डिटेल में जब लाइव क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। बच्चों इसमें करीब 2 या 3 सेशन बनाए हैं इस टॉपिक के, तो इन दोनों ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो उसमें डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। और आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 7-8 आप सारे क्वेश्चंस को देख लेना और आराम से इस क्वेश्चंस को पढ़ना, इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं, वैसे नोट्स में है इसके आंसर, अगर आपको आंसर में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।